Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are enjoying my video and hope you guys are fine. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक नया YouTube video. So guys, it's your girl Rosie and I'm back again with another acting video. So guys, कैसे हो मेरे प्यारे चिप्स आर्ट्स रोजियंस और जॉयपतिंस, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना. सो गाइस, तो जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज के इस बार यूट्यूब वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है. सो गाइस, आज इस बार यूट्यूब वीडियो पे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम थ्रू एन एक्टिंग वीडियो. सो या गाइस, इस बार यूट्यूब वीडियो पे आपको एक कॉमेडी स्केच मैं दिखाने वाली हूँ अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर द नाइट ऑफ देयर एग्जाम. तो गाइस, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ एंड हर साल मुझे भी एग्जाम देना पड़ता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वाला वीडियो बनाने वाली हूँ एंड कुछ और यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे है तो उधर से मैंने थोड़ा आइडिया लिया है. सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स सी कि एग्जाम के पहले स्टूडेंट्स क्या क्या करते. सो या गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आई लाइक इट, I avoid it. But exam likes me. I can't avoid it. मेरा तो पढ़ के सब कुछ रेडी. चलो अब देखते हैं मेरे बाकी दोस्तों का क्या हाल है, लेकिन मैं उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाली. मेरा हो गया पढ़ के, मैं तो उन्हें यही कहूंगी कि मेरा कुछ नहीं हुआ है और साथ ही साथ मुझे रिविजन भी करना है. सबसे पहले मैं आकाश से एक बार बात कर लूंगी. हेलो आकाश, रोजी हियर. अच्छा, तेरा कितना हुआ? कोई नहीं यार, अगले साल तू जरूर पास करेगा, मेरे पूरे आशीर्वाद तेरे साथ. कुछ नहीं होगा, नहीं डांटेंगे मम्मी पापा. मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो टीवी देख ली, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया है, कुछ होने भी नहीं वाला. अच्छा सुन ना, शीना कॉल कर रही है, मैं तुझे बाद में मिला दूँ, ठीक है? अरे यार, रोंदू जैसी शक्ल मत बना, जस्ट चिल, हो जाएगा, एग्जाम ही तो है. हाँ हाय शीना, कहाँ तक हुआ? मेरा तो कुछ नहीं हुआ. टीवी तेरा तो कुछ तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, कौन सा चैप्टर पढ़ेगी तू? अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, अभी भी टाइम है, पूरी रात जग के पढ़ हो जाएगा. हाँ, और वैसे भी एक छोटा सा ही तो एग्जाम है, कहाँ हम बोर्ड्स देने वाले. पढ़ ले, हो जाएगा, सो जा. मैं तो कहती हूँ फिल्म देख के सो जा, और दिमाग को भी रेस्ट देना जरूरी होता है. मेरा ना तो पढ़ाई हुआ है और ना मुझे करना है, मैं तो देख रही हूँ टीएम के उसी,
ऑन माई टीम. चल चल ब्रेक खत्म हो गया, मैं बाद में करती हूँ. हाँ ठीक है. इन नमूनों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो फर्स्ट आना है. लेट मी स्टडी. कितना कुछ है यार, ये तो फिर भी कॉपी था. इतना डर क्यों रही हो रोजी? हर साल तो ऐसे एग्जाम देने जाती हो. क्या समझे? मैं बताती हूँ क्या समझे आपको. तो मैं हूँ एक लास्ट मिनट हीरो स्टूडेंट. तो मैं इस कैटेगरी के अंदर पढ़ती हूँ. और हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम एग्जाम के पहले वाले रात को पढ़ते हैं, पूरे साल एंजॉय करते हैं. जबकि टॉपर्स एग्जाम के पहले एंजॉय करते हैं और पूरे साल पढ़ते हैं. तो यही है टॉपर्स और लास्ट मिनट हीरो का सबसे बड़ा डिफरेंस. और आप लोग खुद ही सोचो, अगर हम लास्ट मिनट हीरो पूरे साल बिना पढ़े सिर्फ एग्जाम के पहले वाले रात को पढ़ के 50% स्कोर कर सकते, तो फिर अगर हम लोग पूरे साल पढ़ते तो हम लोग टॉप कर जाते और टॉपर्स को, छछुंदर टॉपर्स को पीछे छोड़ के एकदम फेंक ही देते. समझ रहे हो? ऐसा मत समझो कि लास्ट मिनट हीरो हूँ मैं, इसका मतलब मैं बिगड़ी हुई बच्ची हूँ, बिगड़ी हुई स्टूडेंट हूँ. ऐसा नहीं है. ज्यादातर टॉपर्स ना चीटिंग करके पास होते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट मिनट जो हीरो होते हैं ना ऑनेस्ट होते हैं. एग्जाम के पहले वाले रात को पढ़ते फिर होता क्या इसमें? एग्जाम के पहले वाले रात को बुक खोलो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ो, मेन मेन चीजें याद कर लो, रट्टा मार लो और नेक्स्ट दिन एग्जाम हॉल में जाओ और आंसर शीट पे जो भी रट्टा मारा याद करके लिख दो, जो याद नहीं आता है छोड़ दो, हो गया. फिर भूल जाओ सब, घर आओ और फिर से नेक्स्ट एग्जाम के लिए सेम वैसे तैयारी कर लो. बस इट्स आवर सेवेज लाइफ. मेरा तो पढ़ के हो गया और मैं तो क्लास में फर्स्ट भी आ जाऊं, बट एक प्रॉब्लम है और वो है हमारे क्लास के टॉपर्स. ये फर्स्ट आने के लिए टॉपर्स को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो या लेट्स डिस्ट्रैक्ट द टॉपर्स. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कॉल रोजी. हाँ हेलो रोजी. अच्छा सुन ना, तेरे पास केमिस्ट्री चैप्टर 6, 7, 8, 9 के नोट्स है तो प्लीज दे देना यार, मेरे पास नहीं है एक्चुअली. नहीं का मतलब क्या है? तू तो टॉपर है ना, तेरे पास तो होगा ही. अगर नहीं देना है तो बोल दे. सच्ची तू लास्ट दिन एब्सेंट थी ना? अरे उसी दिन ना सर ने कहा था ये 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है एग्जाम में. हाँ चैप्टर 6 to 9 इंक्लूडेड है. ठीक है, अगर तुझे मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ ले तू सर से. वही तो. हाँ वैसे भी तेरे ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ेगा. हाँ शुरू करते पढ़ना, हो जाएगा रात तक. हाँ शुरू कर दे. ठीक है मैं किसी और से नोट्स ले लेती हूँ. हाँ ठीक है तू पढ़ना शुरू कर दे, हो जाएगा. हाँ ठीक है बाय. पहले टॉपर को तो हमने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब मैं डिस्ट्रैक्ट करने वाली हूँ हमारे क्लास के सेकेंड गर्ल. हाँ हेलो बूटी. अच्छा सुन ना, तेरे पास केमिस्ट्री के चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 का नोट्स होंगे तो प्लीज दे दे यार. नहीं का मतलब क्या? तू तो क्लास की सेकंड गर्ल है, तेरे पास तो होगा ही. हाँ अगर नहीं देना चाहती तो ऐसे ही कहते, ऐसे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है. तू लास्ट दिन एब्सेंट थी ना, स्टडी ही लिया था ना तुमने? हाँ तभी तो मैं सोचू कि तू क्लास की सेकंड गर्ल है, तुझे कैसे नहीं पता. अरे लास्ट दिन सर ने कहा था चैप्टर 5 to 9 इंक्लूडेड एग्जाम. हाँ ठीक है अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ ले सर से, और सर को जो तेरे ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ेगा उसके बारे में एक बार सोच लेना. हाँ वही तो कह रही हूँ, बैड इम्प्रेशन पड़ेगा. रो मत यार, हो जाएगा. अभी से शुरू कर दे, हो जाएगा. 5 ही तो चैप्टर है. हाँ शुरू कर दे. मैं किसी और से नोट ले लेती हूँ, तू शुरू कर दे पढ़ना, हो जाएगा. डोंट वरी, ऐसा होता है.
मेरा हो गया। हाँ तू पढ़ना शुरू कर दे। और हाँ एक और बात, हाँ तू ना अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, मोबाइल तो देख ही मत, वो तुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा। हाँ पढ़ 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 हो जाएगा, रो मत यार। ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल तो जरूर पास करिएगा, अगले साल ये गलती करना ही मत, ठीक है। हाँ 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 भाई तू भी पढ़ और मैं भी रिविजन कर लेती हूँ। सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, एक काम करती हूँ रिवीजन कर लेती हूँ। वैसे कितना टाइम बचा है? हाँ हो जाएगा रिवीजन। एक काम कर सकती हूँ मैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकती हूँ ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। हाँ जितना टाइम बचा है उससे पिछले एक साल का हो जाएगा, दो तीन साल कोशिश करूंगी, बट एक साल तो करना ही है मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूंगी मैं। और जो चीज समझ नहीं पा रही हूँ ना वो मेमोराइज कर लेती हूँ, बस देन आई बी रेडी फॉर द एग्जाम। बस ये चैप्टर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें मेमोराइज कर लेती हूँ, रट्टा मार लेती हूँ, याद रहेगा। मुझे भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, आई कैन एंड आई विल बिकॉज आई एम द वन। पढ़ने बैठती हूँ, सबसे पहले मैं ये हिस्ट्री कर लेती हूँ। In 1848, Frederick Soury, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world map made up of democratic and social republics. In 1848, Frederick Soury. मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, कल अगर एग्जाम में मैं नहीं लिख पाई तो क्या होगा, अगर भूल गई तो क्या होगा, अगर सब भूल गई और फेल कर गई तो क्या होगा, फिर से इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा दोबारा, मम्मी पापा डांटेंगे, पापा घर पे बंद करके रखेंगे और मुझे मेरा आईफोन भी नहीं मिलेगा। स्टे काम रोजी, स्टे काम, फोकस। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरी अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स। क्या था? एक सेकंड, कल हिस्ट्री का एग्जाम है ना, सबसे पहले ये चेक कर लेती हूँ इधर रूटीन लिखा है मैंने। कल हिस्ट्री का एग्जाम है, लेट्स कंटिन्यू। एक बार कंफर्म करने के लिए सर से पूछ लूँ क्या? हाँ वही करती हूँ, पहले सर से कंफर्म कर लेती हूँ वरना देखा जाएगा इतना मेहनत से मैंने पढ़ा और फिर ये था ही नहीं एग्जाम। So yeah guys, that's all for today. Thank you so much कि आपने इस वाले YouTube वीडियो को इन तक देखना पसंद किया। So guys, अगर आपने इस वाले YouTube वीडियो को इन तक देख लिया है then please like, subscribe, share और comment करते हुए जाना, क्योंकि ये चारों बिल्कुल मुफ्त मुफ्त फ्री एंड फ्री है। एंड गाइज फ्री की चीजें या फिर मुफ्त की चीजें किसको नहीं पसंद, सो प्लीज करते हुए जाओ। सो इतना मेहनत करके कॉमेडी स्केच वीडियो आप सबके लिए बनाया, सो प्लीज एक लाइक कर दो एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रोजी इन चाय पत्ती इन सॉर्ट चिप्स और फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड गाइज शेयर दिस YouTube वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, एंड उन सबके साथ तो जरूर शेयर करना जो स्टूडेंट्स है या फिर जिनके एग्जाम्स आने वाले। सो या गाइज एंड आप लोग आपके स्टूडेंट जर्नी के बारे में भी मुझसे बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। सो या गाइज कमेंट करके बताओ कि आपको आज का ये वाला यूट्यूब वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये भी बताओ, एंड नेक्स्ट एक्टिंग वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाओ, इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया बता दो यार, मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। एंड गाइज इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ वीडियो रिक्वेस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक दैट यूट्यूब वीडियो फॉर यू एंड पोस्ट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल एज सून एज पॉसिबल, एंड व्हाइल पोस्टिंग आई विल डेफिनेटली मेंशन योर नेम। सो या गाइज कमेंट करके बताओ आपको आज के इस वाले यूट्यूब वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा एंड आप कौन से स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब इस वीडियो के हिसाब से आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। सो अगर देखा जाए तो मैं टॉपर भी नहीं और एवरेज भी नहीं, सो उसके बिटवीन में,
ठीक है, बाकी कुछ नहीं मिलता मेरे साथ। सो या गाइस, हाँ, लेकिन वो क्या बताऊ, वो टेंशन जो होता है ना, डर लगता है, वो मेरे साथ होता है। सो या, तो चलो, तो कमेंट करके सब बताओ। एंड या गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट करके मुझे फॉलो करते हुए जाओ, मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, मेरे डेली एक्टिविटीज को जानने के लिए और मेरे लेटेस्ट सेल्फीज देखने के लिए, क्यूट क्यूट फोटोज देखने के लिए और धमाकेदार रील्स देखने के लिए तो जरूर फॉलो करो। और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ एंड स्टोरीज वगैरह में बताती रहती हूँ कि मैं क्या करके आ रही हूँ। सो या गाइस, तो आज के लिए ही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले यूट्यूब वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, स्प्रेड पॉजिटिविटी, लव योर सेल्फ, लव एवरीवन, Be confident. So, yeah guys, bye bye. Love you all.